नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल मिश्रा आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ कैट सेंटर डिजाइन स्टूडियो की तरफ से एक नया वीडियो लेकर। आज के वीडियो में मैं अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के कुछ डाउट सॉल्व करने जा रहा हूँ। खास तौर पे उन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं जिन्होंने अभी अभी अपना इंजीनियरिंग कम्प्लीट किया है और अब वो जॉब की तलाश में है। जनरली होता क्या है इंडस्ट्री में, मैकेनिकल इंजीनियर्स को किस तरह के जॉब्स ऑफर होते हैं, आज का सब्जेक्ट वही है। आज मैं इस टॉपिक पे आप सभी को जानकारी देने आया हूं ताकि आप लोगों को समझ सके कि आप अपना करियर चुन सके, कौन सा जॉब प्रोफाइल आपके पर्सनालिटी के अनुरूप है वो आप जान पाए। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री करने के बाद आपके पास कैसे कैसे जॉब प्रोफाइल्स के विकल्प होते हैं, सबसे पहले इसमें रोशनी डालने की जरूरत है। जैसे अपॉर्चुनिटीज हैं उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन इंजीनियर बन सकते हैं जिसमें आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की तरह काम करना होगा। फ्लोर शॉप्स पे जनरली ये काम होता है, बीएमसी सीएनसी मशीन्स पे ऑटोमेशन के साथ आपको वो प्रोफाइल करना होता है। इसके अलावा क्वालिटी इंजीनियर्स होते हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर्स होते हैं। क्वालिटी इंजीनियर जनरली प्रोडक्ट की क्वालिटी का कंट्रोल करते हैं, वो इंस्पेक्शंस करते रहते हैं प्रॉपरली जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो अप टू द मार्क है या नहीं। मेंटेनेंस इंजीनियर्स बीच बीच में प्लांट के जो भी इक्विपमेंट्स काम कर रहे होते हैं वो इक्विपमेंट में रियर एंड टीयर की वजह से कुछ ना कुछ खराबियाँ आना शुरू हो रहती हैं तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी मेंटेनेंस इंजीनियर्स की होती है। इसके अलावा कुछ और प्रोफाइल पर भी रोशनी डालता हूँ मैं। आप इसके अलावा डिजाइन इंजीनियर बन सकते हैं जिसमें आप कैड कैम पे डिजाइनिंग कर सकते हैं। पाइपिंग इंजीनियर बन सकते हैं जिसमें आप पाइपिंग वर्क अलग से ट्रीट किया जाता है गैस एंड ऑयल इंडस्ट्री में, पाइपिंग इंजीनियर के लिए आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्स इंजीनियर्स भी बन सकते हैं, बहुत सारे टेक्निकल इक्विपमेंट्स की सेल्स के लिए आपको क्वालिफाइड होना पड़ता है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो वहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। इसके अलावा आप प्रोजेक्ट इंजीनियर बन सकते हैं प्लांट कंस्ट्रक्शन में, या फिर बहुत सारे इक्विपमेंट है सोलर प्लांट्स वगैरह हमें इंस्टॉल करने होते हैं, इक्विप करने होते हैं, वहां पर हमें प्रोजेक्ट इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट होता है, साइट इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा कमिश्निंग इंजीनियर का रिक्वायरमेंट होता है जो कि आप जितने भी इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं जो कि मेकाट्रॉनिक्स की तरह काम करता है वो इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें जनरली कमिश्निंग इंजीनियर का भी रिक्वायरमेंट होता है। अब ये इतने सारे प्रोफाइल्स के बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दिया है, अभी इसमें डिफरेंसेस आपको समझना पड़ेगा। मेजरली ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ दो ही डिफरेंसेस हैं। वो दो डिफरेंसेस क्या है, इनमें से कुछ प्रोफाइल ब्लू कॉलर जॉब्स कहलाते हैं। वो ब्लू कॉलर जॉब्स कौन से हैं मैं वो बताता हूँ आपको। वो जॉब जिसमें आपको प्लांट में, कंस्ट्रक्शन साइट्स में या फिर प्रोजेक्ट साइट पे आपको काम करना होता है, लेबर्स के साथ, वर्कर्स के साथ मिलके, इक्विपमेंट्स के साथ आपको काम करना होता है, मशीन्स पे काम करना होता है, ऐसे सारे प्रोफाइल को, ऐसे सारे जॉब्स को ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। और इसके अलावा दूसरा जो प्रोफाइल होता है वो व्हाइट कॉलर जॉब होता है। व्हाइट कॉलर जॉब में आप अच्छे खासे ऑफिस में होते हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, एसी इक्विप्ड ऑफिस रहता है, मस्त आपको ऐसा आईटी कल्चर मिलता है वहां पर, ऐसा आपका प्रोफाइल होता है, उसे व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। तो ये दो सेगमेंट में आप अपना लाइन चूज कर सकते हैं। तो मैंने जो बताया है, जितने भी प्रोफाइल आज आपको बताए उन सभी प्रोफाइल्स में एक डिजाइन इंजीनियरिंग को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे सभी प्रोफाइल ब्लू कॉलर जॉब होते हैं। एक डिजाइन इंजीनियरिंग ही सिर्फ व्हाइट कॉलर जॉब की तरह काम करता है। अब यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत बड़ा भ्रम है, वो भ्रम क्या है मैं वो बताना चाहता हूँ। उनको क्या लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिजाइन फील्ड में हमें सिर्फ मशीन डिजाइन करना होता है, बल्कि सच्चाई ये नहीं है। अगर आप पूरा सच जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैकेनिकल डिजाइन फील्ड अपने आप में बहुत विस्तृत फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है जहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं। हम जितने भी अपने आसपास हम चीजें देखते हैं जो प्लास्टिक कंपोनेंट या फिर फाइबर कंपोनेंट से बनती है, ये सारे पार्ट्स भी हमें खुद मैकेनिकल इंजीनियर्स ही डिजाइन करके देते हैं। आप जो घर में इस्तेमाल करने वाले मग, बकेट, क्रीम या शैम्पू की बॉटल्स, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, फर्नीचर्स, सोफा, चेयर्स,
इसके अलावा आप रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, ऐसे कितने सारी चीजों का डिजाइन एक मैकेनिकल इंजीनियर को बनाना पड़ता है और ये सारा मैकेनिकल डिजाइन फील्ड में आता है प्रोडक्ट डिजाइन की तरह। प्रोडक्ट डिजाइन में इतने सारे वेरियस प्रोडक्ट का डिजाइन एक मैकेनिकल इंजीनियर करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड है, जैसे ऑटोमोटिव डिजाइन होता है, एयरस्पेस डिजाइन होता है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल मशीनिंग का भी डिजाइन हमें ही करना होता है। तो इसमें बहुत सारा सेगमेंट होता है मैकेनिकल डिजाइन में। अगर अब मैं ये कहूँ कि मैकेनिकल डिजाइन में अवसरों की भरमार है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैकेनिकल डिजाइन फील्ड में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है कि आपको मैं बता नहीं सकता। आप खुद ट्राई करके देखिए, आपको हर जगह मैकेनिकल डिजाइन का रिक्वायरमेंट दिखाई देगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह मैकेनिकल डिजाइन इंडस्ट्री काम करती है। इसके अलावा मैकेनिकल डिजाइन इंडस्ट्री में सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही ज्यादा नहीं है, वहां पर बहुत सारा वैरायटी भी आपको मिलेगा, अलग अलग तरीकों के काम करने को मिलेंगे। ये सारा अपॉर्चुनिटी वहां पर ही संभव होता है। जनरली होता क्या है, ब्लू कॉलर जॉब की बात करता हूं मैं, ब्लू कॉलर जॉब में जनरली होता यह है कि आपको टिपिकली एक टाइप का काम करने दिया जाता है। वो काम आपको रोज अपने प्लांट पे जाकर, अपने साइट में जाकर, अपने फ्लोर शॉप पे जाकर वही काम रोज रिपीट करना होता है, जिससे जनरली क्या होता है, कुछ साल बीत जाने के बाद ये काम आपको बोरिंग और थका देने वाला लगता है। कुछ साल के बाद सीखने के लिए कुछ खास रह नहीं जाता है, कुछ नया आप सीख नहीं पाते हो। ऐसे में आपको लगता है कि ये फील्ड में आगे करियर कैसे होगा, ये फील्ड आपको परेशान करने लगता है, आपकी ग्रोथ के बारे में आपको चिंता होने लगती है, ऐसे बहुत सारे डाउट्स मन में आने लगते हैं। ऐसे समय में जो लोग सिर्फ सैलरी के लिए, सिर्फ पैसों के लिए काम करना चाहते हैं, या फिर उनकी मजबूरी हो सकती है कि जिन्हें सिर्फ पैसों के लिए काम करना पड़े, वो लोग अपने जॉब को कंटिन्यू करते हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपना पैशन या अपना ड्रीम फॉलो करना होता है, जो लोग पैसों से हल्के फुल्के सक्षम होते हैं, जिन्हें जिनमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा भरी होती है, वो लोग ऐसे समय में इस तरीके के जॉब्स को क्विट करके डिजाइन फील्ड में अपना करियर बनाने आगे निकल जाते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा कि इस डिजाइन फील्ड में काम करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत तरीकों के काम होते हैं, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंस क्या आता है, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। जब आप अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करते हो, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, तब वहां पे आपको कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कई बार आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है एक नए प्रोडक्ट के लिए। ऐसे में आपको खुद को चैलेंजिंग फील होता है, और आप जब वो चैलेंज सॉल्व करते हो, जब वो चुनौती का सामना करके वापस उबर के बाहर आते हो, तब आपको फील होता है कि यस आई डन इट, मींस आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई रहता है इस तरह के जॉब में। सिमिलर काइंड के जॉब, एक ही तरीके के जॉब करते करते आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी डाउन होता है। उसके कंपैरिजन में डिजाइन फील्ड में आपको अलग अलग वैरायटी के जॉब्स करने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई रहता है। ठीक है, इसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं कि डिजाइन फील्ड किस तरीके से काम करता है, कितने टाइप के काम होते हैं डिजाइन फील्ड में, तो डिजाइन फील्ड में बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम होते हैं। उनमें से इम्पोर्टेंटली अगर आप देखेंगे तो 2D डिजाइन, डिटेलिंग एंड ड्राफ्टिंग जिसको बोलते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग वगैरह क्रिएट करना पड़ता है, 3D मॉडलिंग करना पड़ता है हमें, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के पहले उसका एक 3D मॉडल क्रिएट करना पड़ता है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी पार्ट का हमें सस्टेनेबिलिटी क्रॉस चेक करके देखना पड़ता है कि वो पार्ट कितना फोर्स सस्टेन कर सकता है, उसका लाइफ साइकिल क्या होगा। इसके अलावा थर्मल एनालिसिस करना पड़ता है, वाइब्रेशन एनालिसिस करना पड़ता है, फिर कई बार हमें प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन में काम करना पड़ता है, शीट मेटल्स के साथ इंडस्ट्री में काम होता है, इसके अलावा हमें VMC CNC मशीन्स को जी कोड एम कोड प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काम हमें करने पड़ते हैं मैकेनिकल डिजाइन फील्ड में।
अब ये जितने भी डिफरेंट काम मैंने बताया आपको, अलग अलग टाइप के जो वर्क बताया मैंने आपको, वो सारे अलग अलग काम अलग अलग सॉफ्टवेयर में किए जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2D ड्राइंग करने के लिए जनरली इंडस्ट्री में ऑटोकैड यूज होता है, 3D मॉडलिंग करने जब आप जाते हैं तो वहां पे कटिया, क्रियो, सॉलिड वर्क्स, NXCAD, यूनिग्राफिक्स, इन्वेंटर, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। इसके अलावा एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए एनसिस वर्कबेंच, हाइपर मेश, NX Nastran या फिर NSIS Fluent जैसे टूल्स यूज किए जाते हैं जिसके थ्रू हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। फिर जी कोड एनकोड जनरेट करने के लिए हम लोग जनरली NXCAM या फिर MasterCAM जैसा टूल यूज करते हैं। तो ये इतने सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हमें सीखने होते हैं। ये सभी सॉफ्टवेयर्स का ट्रेनिंग आपको इनिशियली स्टार्टिंग से ही कॉलेज में देना शुरू हो जाता है, पर जब आपको कभी इस फील्ड में जॉब करना है एज अ डिजाइन इंजीनियर, तो उस समय हमारा वो नॉलेज जो कॉलेज से हमें मिला है वो सफिशिएंट नहीं होता है, वो काफी नहीं होता है। उस समय अगर आपको अपना करियर डिजाइन में बनाना होता है तो आपको इसकी अलग से विशेष ट्रेनिंग करनी होती है। हर सॉफ्टवेयर की अपनी अलग ट्रेनिंग आपको करनी पड़ती है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कॉलेज के साथ साथ आपको मार्केट में बहुत सारे डिजाइन इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जहां पे ये ट्रेनिंग उपलब्ध है। कोई भी ट्रेनिंग ज्वाइन करने के पहले मैं आपको थोड़े से टिप्स देना चाहता हूं ताकि आप कोई भी ट्रेनिंग ज्वाइन करने के समय ये टिप्स फॉलो करके अपना एश्योरिटी ले सकते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगा या नहीं। सबसे पहले तो कोई भी डिजाइन में करियर बनाने के पहले आपको एक प्रॉपर किसी जानकार व्यक्ति से मिलकर काउंसलिंग करानी चाहिए। सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के पहले। फिर जब भी आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहां पर आप पता करिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, उस सॉफ्टवेयर से पर्टिकुलरली होता क्या है, तो ये आपको जानना होगा। इसके अलावा उस सॉफ्टवेयर का इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कैसे सॉल्व होता है, क्या हमें उस ट्रेनिंग में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का जानकारी मिलने वाला है, हमसे कोई प्रोजेक्ट सॉल्व कराया जाएगा। फिर साथ ही आपको ये भी पता करना होगा कि जो सर्टिफिकेट मिलने वाला है क्या वो इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है। इसके अलावा आपको ये पता करना होगा कि जो आपका ट्रेनिंग हो रहा है क्या उसके साथ जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस भी वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रही है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग वैराइटीज है, अलग अलग चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट फेक कमिटमेंट भी करते हैं, उससे आपको बच के रहना होगा। जो कंपनी जो इंस्टीट्यूट आपको ये बोले कि जॉब गारंटी कोर्सेज अवेलेबल हियर, उनके फीस और एक लोकल इंस्टीट्यूट जो आपको जॉब पे गारंटी नहीं दे रहा है उससे कंपैरिजन करिए, आपको समझ में आएगा कि कहीं आप फंस तो नहीं रहे। ऐसे लोग जो आपको जॉब गारंटी के नाम पर दो चार इंटरव्यू से प्रोवाइड करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट से बचिए, ये मेरा सजेशन है। कैट सेंटर डिजाइन स्टूडियो पिछले 32 सालों से इंडस्ट्री में है। हम लोग ऑलमोस्ट हमारे 1000 से ज्यादा ब्रांचेस है 30 अलग अलग कंट्रीज में, अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलियन कंपनी कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, ऐसी जगहों पे हमारे ब्रांचेस उपलब्ध है। आज की डेट में आप अगर कैट सेंटर से ट्रेनिंग करते हैं तो सारे इंडस्ट्रीज वाले जानते हैं कि कैट सेंटर क्या है। इस तरह से एक नॉन ब्रांड कैट सेंटर है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप प्रेफरेंस रख सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के पहले जो मैंने आपको छोटे मोटे टिप्स दिए हैं वो फॉलो करके अपना एडमिशन करा सकते हैं। गाइस आज के लिए इतना ही, इसके बाद मैं आपके पास नया वीडियो लेकर आऊंगा। आपको मैंने इतने सारे सॉफ्टवेयर्स का नाम बताया है, उन सॉफ्टवेयर्स को क्यों करना है, क्यों मुझे कटिया, क्रियो, 3D मॉडलिंग के लिए सीखना है, क्यों मैं सिर्फ कटिया सीखकर आगे अपना करियर नहीं कर सकता, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। कैसे सॉफ्टवेयर्स अपने आप में अलग अलग यूज होते हैं, उनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, ये वीडियो मैं लेकर जल्दी आने वाला हूँ। तब तक के नमस्कार आप सभी का, लाइक चाहता हूँ इस वीडियो पर, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए कैट सेंटर डिजाइन स्टूडियो को। नमस्कार।